तो हेलो गाइस, सरकारी ड्रीम यूट्यूब चैनल में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं शैलेश। और दोस्तों, आज आपके इस वीडियो में मैं आपको सारे ट्रेड टेस्ट की वीडियो की इस ट्रेड टेस्ट की इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं। तो आपका कोई भी ट्रेड में आपने अप्लाई किया हो, सारे ट्रेड का ट्रेड टेस्ट कैसे होता है, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से और मुझे जितनी जानकारी है, सब कुछ आपको पूरा निचोड़ के इस वीडियो में दे दूँगा। तो आपका CSF का ट्रेड टेस्ट कैसे होगा, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देख लेना और आपका ट्रेड टेस्ट को एकदम सक्सेसफुली आप क्वालिफाई करके आओगे, मैं इतनी गारंटी आपको दे सकता हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, PAT PST और दस्तावेज में उत्तीर्ण किए गए सभी अभ्यर्थियों को ट्रेड परीक्षा देनी होगी। ट्रेड टेस्ट मतलब जो पहले दिन आपका डॉक्यूमेंट्स और फिजिकल होगा और दूसरे दिन आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ओके, ट्रेड टेस्ट में आपको क्या क्या करवाना होता है, देखिए रसोईया मतलब कुक में जिन्होंने अप्लाई किए हैं उनको रोटी चावल बनाना पड़ेगा। आपको रोटी चावल कोई बनाने को देगा भी नहीं। ओके, सिर्फ आपको रोटी बनाने के लिए सूखा आटा दे दिया जाएगा। आपको रोटी बना के दिखानी है और उसे पका कर भी दिखानी है। ओके, तो रोटी गोल बनाना और ज़्यादा बड़ी मत बनाना। ओके, और रोटी एकदम मीडियम साइज़ बनाना और उसे फुलाना, मतलब वो फूले ऐसे बनाना। थोड़ा आपको अगर रोटी बनाना आता है तो एकदम नो टेंशन की बात नहीं है, अगर नहीं बनानी आती तो आप प्रैक्टिस करके जाना। ओके, तो आपको वहाँ पे एक या दो रोटी बनाने के लिए बोला जाएगा। सब्जी, दाल सांभर, इडली, इनमें से कोई भी बनाने के लिए बोला जाएगा, ये सब नहीं, सिर्फ एक, इनमें से कोई भी सिर्फ एक। और नीचे मांस, मछली, अंडा, खीर, इनमें से कोई भी एक आपको बनाने के लिए बोला जाएगा। ओके, एक तो आपको सब्जी बनाने के लिए बोला जाए, एक तो दाल, एक तो सांभर, नहीं तो इडली, इनमें से कोई भी एक आपको बनाने के लिए बोला जाएगा। और मांस, मछली, अंडा, खीर में से एक, कोई भी एक। ओके, तो आपको कम से कम तीन चीज़ें बनानी होगी, जैसे कि रोटी बनाने के लिए बोला जाएगा या तो चावल बनाने के लिए बोला जाएगा, दूसरा दाल या सांभर, नहीं तो मछली, इनमें से कोई भी। ओके, तीन चीज़ें आपको इनमें से बनाने के लिए बोला जाएगा। मोची, देखिए मोची में जूते पॉलिश करने के लिए आपको बोला जाएगा। ओके, मेरे फ्रेंड्स ने अप्लाई किया था मोची में, मुझे पता है, उन्होंने बोला था कि हमको जूते पॉलिश करने के लिए बोला था। तो आपको एक जोड़ी जूते पॉलिश करने के लिए बोले जाएंगे, वापस सब इक्विपमेंट दिए जाएंगे, उन चीज़ों को क्या बोलते हैं उसके नाम भी आपको आनी चाहिए और उन चीज़ों को आप कैसे पकड़ रहे हो, उनका कैसे इस्तेमाल कर रहे हो वो भी देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलते हैं। ओके, तो जूते पॉलिश करने के लिए आपको बोला जाएगा। और औजार चलाना, मतलब देखो मैंने बोला ना अभी, आपको वो औजार आप कैसे उसका इस्तेमाल कर रहे हो वो भी आपको देखा जाएगा। दूसरा जो चमड़ा होता है, वो चमड़ा बहुत प्रकार के चमड़े होते हैं, उन चमड़ों के नाम आपसे पूछा जा सकता है। और वो जो चमड़े उसे कैसे काटना है, वो कौन से आरी से काटना है, वो आरी का कैसे आप इस्तेमाल कर रहे हो, कैसे पकड़ रहे हो, सब कुछ देखा जाता है। ओके, और उसकी सिलाई कढ़ाई करने के लिए भी आपको बोला जाएगा। ओके, बस इतना ही होता है। नाई मतलब जो कटिंग वगैरह करते हैं वो, उनको उनके जो औजार है उसमें वो बहुत ही अच्छी तरह के, उनको कैंची वगैरह अच्छी तरह से चलानी आनी चाहिए। और उनके जो औजार है वो कौन सी चीज़ कहाँ इस्तेमाल होती है और कब होती है, उनके नाम, सब चीज़ें आपको एकदम कंफर्टेबल आना चाहिए। और बाल काटना आपको आना चाहिए और दाढ़ी करने के लिए आपको आना चाहिए। ओके, इन आपको ऑफिशियली प्रैक्टिकल वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, कटिंग करके और दाढ़ी करके। ओके, धोबी, कपड़ों की धुलाई, उनको कपड़े धोने के लिए एक कपड़ा दे दिया जाएगा गंदा मैला, उसको आपको धुल के दिखाना होता है। सूती खाकी वर्दी का प्रेस करके दिखाना होता है, जो खाकी वर्दी होती है उसको प्रेस करके आपको दिखाना पड़ेगा, मतलब इस्त्री मार के दिखाना पड़ेगा। ओके, गरम टेरिकॉट वर्दी पर भी प्रेस करने के लिए बोला जाएगा, मतलब आपको दो तीन प्रकार की वर्दी दी जाती है, उनको आपको सिर्फ आपको उनको प्रेस करके दिखाना है। और ये कपड़ा होता है गंदा मैला, उसको धो के दिखाना है, एकदम साफ़ सुथरा करके उनको दिखा देना है, बस इतना ही होता है। ओके, बढ़ई, बढ़ई को देखिए, बढ़ई मतलब कारपेंटर। ओके, बढ़ई का औजार चलाना, बड़े जो लकड़ी के सामान होता है कारपेंटर का, वो अपनी चीज़ों को आपको वहाँ से कोई मतलब टेबल बना ली, कुर्सी बनाने के लिए नहीं बोलेगा, वहाँ पे एकदम जो नॉर्मल चीज़ें होती है ना, वो जो चीज़ें होती जैसे कि रंदा हो गया, कट्टर हो गया वगैरह, वो जो चीज़ें होती उनके नाम आपको आने चाहिए। ओके, हाक्सा वगैरह, हैमर वगैरह जो चीज़ें होती है उनके आपको नाम पता होने चाहिए। और आपको वहाँ पर कुछ लकड़ी को काटने के लिए बोला जाएगा, ये लकड़ी इसे काट के दिखाओ, तो आप लकड़ी कैसे काटते हो, औजार कैसे पकड़ते हो वो भी देखते हैं। और आपको कोई भी टूटी फूटी कुर्सी दे दी जाएगी और बोलेंगे कि इसे मरम्मत कर दो, इसे को बना के दिखाओ, तो आपको उसको एकदम ठीक ठाक तरीके से
उसको बना के दिखा देना है। बस 5-10 मिनट का होता है, बस आप पास हो जाओगे। ओके, फिटिंग पॉलिश और सामग्री की फिनिशिंग, मतलब आपको वो जो सामग्री होती है वो उनके सारे नाम वगैरह आपको आने चाहिए। ओके, सफाई वाला आपसे झाड़ू लगवाया जाएगा। ओके, आप झाड़ू कैसे पकड़ रहे हो वो भी देखते आपसे झाड़ू लगवाया जाएगा। आपको शौचालय की मरम्मत कराएंगे। आप जब भी टॉयलेट साफ़ करने जाओ तो पहले आपको टॉयलेट साफ़ करने से पहले आपको सीढ़ियाँ साफ़ कर लेनी है। उसके बाद झाड़ू से टॉयलेट में जो जाला वगैरह लगा रहता है उसको निकाल लेना है। उसके बाद आपको एक बाल्टी भर के पहले पानी डाल देना है संडस में। ओके, उसके बाद आपको हार्पिक या टॉयलेट कुछ वापस जो भी आपको दिया जाएगा वो डालने के बाद आपको पहले ब्रश के साथ उसको घिस लेना है। उसके बाद पानी डाल देना है और धोने के बाद आपको सिर्फ झाड़ू ब्रश वगैरह जहाँ से आपने उठाया था वहाँ पर बाद में रख देना है। ओके, स्नानागार इत्यादि की सफाई, मतलब जो जहाँ पर नहाना धोना होता है वह उसकी भी सफाई आपसे करवाएंगे। ओके, पेंटर, पेंटर को रंग पेंटर और शेड का ध्यान, मतलब पेंटर के जो कलर्स होते हैं वो कलर का इस्तेमाल होते हैं, कौन सा कलर का इस्तेमाल कब करते हैं क्यों करते हैं वगैरह वगैरह की जान पूछताछ आपसे हो सकती है। साइन बोर्ड का पेंटिंग, देखिए साइन बोर्ड का पेंटिंग भी आपसे करवाया जाएगा। रंगाई चित्राकरण, मतलब आपको जो पेंटिंग का काम है वो एकदम 101% कम्प्लीट आना ही चाहिए। ओके, राजमिस्त्री मेसन, मसाला बनाना, तो आपसे वहाँ पे मसाला बनाया जाएगा। राजमिस्त्री का निर्माण कार्य की जानकारी, तो राजमिस्त्री का काम क्या क्या होता है वो जो बेसिक जानकारी होती है वो आपसे ले ली जाएगी। ओके, प्लास्टर का कार्य, फर्स्ट पर स्टाइल वो प्लास्टर करना, तो देखिए आपको एक थोड़ा उन्होंने पहले ही मसाला बना रखा आपसे ही बनवा लेंगे। ओके, मसाला, और वो आपको एक फर्श जो है वो लगाने के लिए बोलेंगे कि एक फर्श लगा के दिखाओ, तो एक दो फर्श आपसे लगवा लेंगे और मसाला बनाने के लिए बोलेंगे। ज़्यादा नहीं बनाएंगे, एक दो थोड़ा सा ही बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे। और वो मसाला देखेंगे कि इसने बनाया बराबर बनाया या ज़्यादा मसाला ज़्यादा डाल दिया, सीमेंट ज़्यादा डाल दिया, ऐसा कुछ भी देखेंगे। और आप उन मतलब आप अपने प्रैक्टिस के अनुसार वहाँ पर काम करना। ओके, आपसे थोड़ा मतलब एक दो ईंटें वहाँ पर रखवाई जाएंगी मसाला डाल के, तो आपको एकदम प्रॉपर तरीके से काम करना है। आपको मतलब वहाँ पे कुछ 1-2 घंटे के लिए काम करने के लिए नहीं बोला गया, आपसे ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट आपसे काम करवाएंगे और वो देखेंगे कि आप वो जो चीज़ है वो कैसे आप पकड़ रहे हो, कैसे काम कर रहे हो, बस उतना देखेंगे। आप सिर्फ अपना काम करते रहना, आपको बराबर नंबर देंगे। ओके, प्लम्बर, देखो पाइपलाइन की बिछाना, आपको पाइपलाइन बिछाने के लिए बोला जाएगा। पाइप की जो पानी की पाइपलाइन होती है उसकी मरम्मत करने के लिए बोलेंगे। वो बोलेंगे कि ये नल ख़राब है, इसको ठीक करा दो, और वो नल को आपको खोलना है। उसके बाद वो काम कैसे करना है आपको पता है, आपने प्लम्बर में अप्लाई किया है तो। ओके, तो नलों की, गीज़र, फ्लश और वॉश बेसिन की फिटिंग, तो टॉयलेट वगैरह में ले जा सकते हैं और बोल सकते हैं कि ये टॉयलेट का कुछ फ्लैश है वो ख़राब हो गया, इसको रिपेयर कर दो वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं। तो आपको जो प्लम्बर के जो सारे काम हैं वो आने चाहिए और वो जो सारी चीज़ें होती हैं प्लम्बर की उनके सारे नाम आपको एकदम प्रॉपर तरीके से मालूम होने चाहिए। ओके, हो गए माली, माली को देखिए वो जो सारे फूल, बीज, खाद, वो सब के नाम एकदम प्रॉपर तरीके से आने चाहिए। ओके, कौन सा बीज कब इस्तेमाल कर, कब ज़मीन में डालते, किस ऋतु में डालते वो भी मालूम होना चाहिए, और कौन से बीज में कौन सी खाद पड़ती है, कौन से फल को कौन सा फवारनी, जो हम देते हैं ना फवारनी के छिड़काव देते हैं वो किसको देते हैं, कौन सा देते हैं, वो सब आपको मालूम होना चाहिए। ओके, तो पौधों का रख रखाव आपको आना चाहिए, मतलब पौधों को, वो जो पौधे होते हैं ना उनको काट छाट करना आपको आना चाहिए। कौन सा पौधा किस ऋतु में लगाते हैं वो भी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। बीज और उनकी बुनाई, मौसम का ध्यान, उर्वरक किस सेती देसी थी, और देखो मैंने पहले बता दिया कि आपको कौन सा बीज कौन से मौसम में लगाया जाता है वो सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। स्वदेशी खाद की जानकारी आपको होनी चाहिए। ओके, बिजली मिस्त्री इलेक्ट्रिशियन, तो इलेक्ट्रिशियन ITI वालों का ट्रेड है और उनको ज़्यादा मतलब बताने की जानकारी नहीं, क्योंकि उन्होंने ITI में ऑलरेडी सब कुछ सीखा हुआ है। ओके, वोल्ट की जानकारी, नई बिजली की फिटिंग, बिजली की खराबी को ठीक करना वगैरह वगैरह, यही काम उनको बोला जाता है, सब इलेक्ट्रिशियन का ही काम होता है। ओके, तो ट्रेड टेस्ट की मैंने सारी जानकारी आपको इस वीडियो में दे दी। अगर आप ट्रेड टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हो उसके बाद आपको 1 महीने बाद आपको मेडिकल का
फिर रिटर्न का एडमिट कार्ड आता है दोस्तों। ओके, तो आज के वीडियो में मैंने बता दिया आप लोगों की कि आपका ट्रेड टेस्ट कैसा होता है। तो ट्रेड टेस्ट की सारी जानकारी मैंने इस वीडियो में दे दी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं ऐसे एक नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।